बच्चों आज हम क्लास 9 की लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट है लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। इसमें प्रथम प्रश्न है, यहाँ चार देशों के बारे में हमें सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर हमें इन देशों का वर्गीकरण करना है कि ये लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक या पक्का नहीं। तो प्रथम कथन है देश का, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब कि जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को मानते हैं उन्हें ही वोट डालने का अधिकार है, तो यह कथन लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, यह अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक में सभी धर्मों को समान वोट डालने का अधिकार होता है। अगला कथन, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, मतलब कि एक ही पार्टी है वो 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो इस कथन के बारे में हम यह नहीं कह सकते कि यह लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक। इसका आंसर होगा पक्का नहीं, क्योंकि अगर कोई पार्टी लोकप्रिय है तो वो 20 वर्षों से चुनाव जीत भी सकती है, और या यह भी हो सकता है कि कोई पार्टी तानाशाही है तो वो लगातार 20 वर्षों से जीतती आ रही है। तो इसमें हम यह डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यह कथन लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक। अगला कथन, पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, मतलब कि पिछले 3 दशकों में शासक दल को परिवर्तित किया जा रहा है, मतलब यहाँ की जनता जागरूक है तो वो शासक दल है उनका परिवर्तन कर रही है। अगर कोई शासक दल है वो अगर अपने जो भी चुनावी मुद्दे होते हैं उनको सॉल्व कर देता है तो उनको जनता पुनः विजेता बना देती है। अगर कोई शासक दल है वो अपने चुनावी मुद्दे है उनको पूरा नहीं करती है तो वहां की जनता उस शासक दल को ही परिवर्तित कर देती है, मतलब कि उस शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ता है, तो यह कथन लोकतांत्रिक है। अगला कथन, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो यह कथन लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो चुनाव कराने वाला आयोग है वही स्वतंत्र नहीं है, तो वहां चुनाव लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है, तो यह कथन होगा अलोकतांत्रिक। अगला प्रश्न, यहाँ चार देशों के बारे में हमें कुछ सूचनाएं दी गई है, इन सूचनाओं के आधार पर हमें इन देशों का वर्गीकरण करना है कि ये लोकतांत्रिक है अलोकतांत्रिक या पक्का नहीं लिखेंगे। प्रथम है वो देश चै, संसद सेना की प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। संसद वह संस्था है जहाँ पे हमारे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, अगर वही सेना के लिए कानून नहीं बना सकती तो वह लोकतांत्रिक देश कैसे होगा, क्योंकि इसी में अगर हमें सेना प्रमुख की मंजूरी लेनी होगी तो वह देश लोकतांत्रिक नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा अलोकतांत्रिक। अगला कथन है देश छह, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, तो क्या यह कथन लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, तो यह कथन है लोकतांत्रिक, क्योंकि हमारे जो न्यायपालिका है वह अगर उसके अधिकारों में कटौती का कानून अगर संसद नहीं बना सकती है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायपालिका वह स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्णय कर सकती है। नेक्स्ट है, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, तो यह कथन लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी जो देश के नेता है उन्हें हर संधि के लिए पड़ोसी देश से अनुमति लेनी होगी, अगर हमें अनुमति लेनी होगी तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, तो यह कथन लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते, तो क्या यह कथन लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, यह कथन अलोकतांत्रिक है, क्योंकि केंद्रीय बैंक के अधिकारी हैं वो जनता द्वारा नहीं चुने हुए होते हैं, और हमने यह देखा है कि लोकतंत्र में जो प्रमुख जो चुनाव किए होते हैं जो प्रमुख फैसले लिए जाते हैं वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, अगर मंत्री ही उसको नहीं बदल सकते तो यह कथन लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर होगा अलोकतांत्रिक। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? कह है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, तो इसमें अगर लोग खुद को स्वतंत्रता और समानता मानते हैं तो वह लोकतंत्र की विशेषता है। कथन ख है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह से सुलझाती है, तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में टकराव की समस्या बहुत कम उत्पन्न होती है। गय कथन है, लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, अगर सरकार ही लोकतांत्रिक है
तो वो सरकार का चुनाव भी जनता द्वारा किया गया है और वो जनता के लिए ही उत्तरदायी होगी। कथन भी लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा है। अगला कथन है, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। तो यह कथन लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, क्योंकि लोगों की समृद्धि और खुशहाली है वो देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करती है, न कि सरकार के स्वरूप पर। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो कि देश में लोकतांत्रिक सरकार के मौजूद होते हुए भी वहां पर लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। भारत भी इसका एक उदाहरण है। जबकि संयुक्त अरब अमीरात है, उसमें राजतंत्र का शासन है और वहां भी देश वो है आर्थिक रूप से समृद्ध है। तो इसमें हम यह नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। तो यह कथन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है। अगला प्रश्न, इन सभी कथनों में कुछ चीजें हैं वो तो लोकतांत्रिक है तो कुछ अलोकतांत्रिक, इन चीजों को अलग अलग करके लिखिए। तो हमें जो कथन दिए हुए हैं उनमें कुछ है वो तो लोकतांत्रिक है, कुछ कथन है वो अलोकतांत्रिक, तो हमें इनको अलग करके लिखना है। तो प्रथम कथन है, एक मंत्री ने कहा, क्या कहा, कि संसद को कुछ कानून पारित करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। इसमें हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक कथन अलग करने हैं। तो इसका उत्तर होगा संसद द्वारा कानून पारित करना। तो संसद है वो कानून पारित करती है, तो यह कौन सा कथन है, लोकतांत्रिक। परंतु इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि के लिए पारित करना, तो यह कथन होगा अलोकतांत्रिक। अगला कथन है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई थी। तो इसमें हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक कथन अलग अलग करके बताने हैं। तो इसका उत्तर होगा चुनाव आयोग द्वारा किसी मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव का आदेश देना, तो यह कथन क्या है, लोकतांत्रिक। क्योंकि चुनाव आयोग है वही लोकतांत्रिक देशों में चुनाव का आयोजन करवाता है, जबकि मतदान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करना अलोकतांत्रिक है। क्योंकि अगर मतदान में गड़बड़ी हो रही है तो वो चुनाव लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, इसलिए यह कथन अलोकतांत्रिक होगा। अगला कथन, गए संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है, इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में एक तिहाई आरक्षण की मांग की है। तो इसमें लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक कथन को अलग करके बताना है। तो इसका उत्तर होगा महिलाओं द्वारा संसद में एक तिहाई स्थानों के आरक्षण की मांग करना, यह तो कथन लोकतांत्रिक है। जबकि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से कम होना, यह कथन अलोकतांत्रिक है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में महिलाओं को भी संसद में कुछ प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, अगर वो 10% से भी कम है तो वह कथन अलोकतांत्रिक होगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क दें कि इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। फर्स्ट है, कह है, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं, क्योंकि जो देश लोकतंत्र है तो उसमें विपक्षी दल भी होता है और विपक्षी दल का यही काम होता है जो भी देश में कमियां हैं उनको सरकार के सामने रखें। तो जो भूख और भुखमरी की समस्या है उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना, यह विपक्षी दल का कार्य होता है, तो यह कथन सही है। अगला है, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं। तो कोई भी देश अगर लोकतंत्र है तो उसमें जो प्रिंट मीडिया है वो भी स्वतंत्र होते हैं और वो स्वतंत्रता से अपने अखबार में देश के जो भी विभिन्न हिस्से हैं उनमें अकाल की स्थिति के बारे में अपने अखबार में मतलब प्रिंट कर सकते हैं, छाप सकते हैं उसके बारे में खबर, ताकि सरकार को उस स्थिति से अवगत करा सके। अगला कथन है, सरकार को अगले चुनाव में अपने पराजय का डर होता है। तो यह कथन भी सही है, क्योंकि कोई भी देश अगर लोकतांत्रिक है तो उसमें सरकार है वो अगर अपने चुनावी मुद्दे और जो भी वहां की समस्याएं हैं वो अगर पूरी नहीं कर पाती है तो उसको अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। अगला कथन है, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो इसका आंसर होगा घ, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो इसमें से यह कथन सही नहीं है। बाकी जो ऊपर के तीन कथन है वो लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना को कम करने के लिए पर्याप्त है। अगला प्रश्न, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की
और अपनी जरूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका है जो लोकतांत्रिक नहीं है, हमें यह बताना है कि कौन सा तरीका लोकतांत्रिक है और कौन सा लोकतांत्रिक नहीं है। तो क्या है, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, तो यह कथन लोकतांत्रिक है, क्योंकि अगर सरकार अपने कार्यों को पूरा नहीं करती है तो हम न्यायपालिका के दरवाजे खड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मुद्दों को सुलझाने में मदद करती है। अगला कथन है, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। अगर सरकार अपने कार्य सही तरीके से नहीं कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए कि अगले चुनाव में उस सरकार की सभी पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए, तो यह बहिष्कार का संदेश देना यह कथन भी लोकतांत्रिक है। अगला कथन है, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, तो यह कथन भी लोकतांत्रिक है, क्योंकि जो सरकारी नीतियां हैं वो लोगों के लिए चलाई गई है, अगर उन लोगों को उनका फायदा ही नहीं मिल पा रहा है तो हमें उन नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करनी चाहिए ताकि सरकार का इस तरफ ध्यान दिला सके। अगला कथन है, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, तो यह कथन लोकतांत्रिक नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। हमें क्या करना है इसमें कि लोकतंत्र के खिलाफ हैं दिए जाने वाले इन तर्कों का हमें क्या जवाब देना है। तो प्रथम कथन है, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए, तो हमें इसके बारे में जवाब देना है। तो इसका उत्तर होगा सैनिक शासन है वो सदा ही अलोकतांत्रिक होता है, क्योंकि सैनिक शासन लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि यह कभी भी तानाशाही का रूप ले सकता है। इस शासन प्रणाली में लोगों को भाषण देने और अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं होती, इसमें लोगों की क्या होती है, वो स्वतंत्रताएं हैं वो खत्म हो जाती है, वो कहीं भी भाषण नहीं दे सकते हैं और अपने जो भी विचार हैं वो प्रकट नहीं कर सकते हैं और वे सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते। सैनिक शासन वास्तव में तानाशाही का ही दूसरा नाम है। इसके अतिरिक्त अनेक सैनिक अधिकारी है वो अनुशासनहीन भी होते हैं। अगला कथन है कि बहुमत के शासन का मतलब है कि लाखों और अशिक्षितों का राज, हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। तो इसका हम जवाब देंगे कि लोकतंत्र का संबंध है वो सिर्फ बुद्धिमानों से नहीं होता, शासन में उन लोगों को भी भाग लेना चाहिए जो जनता की इच्छा का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुमत के शासन की इसलिए आवश्यकता है कि वे अधिक से अधिक लोगों के हितों तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में नीतिगत फैसला ले सकेंगे। अगला कथन है कि अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का क्या काम क्यों नहीं सौंपा जाए, देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। तो इसमें हम जवाब यह देंगे कि धार्मिक नेताओं द्वारा अगर शासन प्राय अलोकतांत्रिक होता है, इसमें क्या होता है कि सांप्रदायिक आधार पर लोगों में विभाजन रहता है जिससे कई बार तो सांप्रदायिक दंगों का रूप भी धारण कर लेता है। इस प्रकार कई धार्मिक नेताओं को तो प्रशासन के संचालन का कुछ ज्ञान भी नहीं होता है। अगला प्रश्न, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों, तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन से कथन है वो लोकतांत्रिक है, अगर लोकतांत्रिक है तो वो क्यों, और अगर अलोकतांत्रिक है तो वो क्यों। तो प्रथम है कथन है, बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता, हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। तो इसका उत्तर है यह पहला कथन जो है वो अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लड़की को उसकी अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है, मतलब उसकी स्वतंत्रता है वो खत्म हो रही है। यह कथन लोकतंत्र के सापेक्ष नहीं है, क्योंकि बेटी को अन्य लोगों के द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, उसे भी अपने स्वतंत्र व निष्पक्ष फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। उस लड़की को अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसलिए अपना पति चुनने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगला कथन है, छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर ध्यान मत बंटाओ। तो इसका उत्तर होगा कि यह कथन जो है वह अलोकतांत्रिक है, क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने के अधिकार से यहां उनको वंचित किया जा रहा है।
सबसे अच्छी चीज है जो ये हो सकती है कि अध्यापक है उसको यह करना चाहिए कि वह छात्रों से कहे कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत सभी बच्चे हैं जो अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, किंतु टीचर को हमेशा छात्रों के प्रश्न के उत्तर देने चाहिए। अगला कथन, अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तो इसका उत्तर है कि यह कथन लोकतांत्रिक है, क्योंकि यह ऐसे नियम या कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो, कर्मचारियों के लिए बेनिफिट मिल रहा है, तो यह कथन लोकतांत्रिक ही होगा क्योंकि इसमें जनता के भले के लिए काम किया जा रहा है। कर्मचारी क्योंकि सदैव ही कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकारी से किसी चीज का अनुरोध या मांग कर सकते हैं, अतः यह कथन लोकतांत्रिक मूल्यों के सापेक्ष है। अगला प्रश्न है कि एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं, अपने फैसलों के पीछे तर्क भी बताइए। तो प्रथम कथन है कि देश के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं, तो यह कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि जिस देश के सभी नागरिकों को अगर वोट का अधिकार है और चुनाव भी नियमित रूप से होते हैं तो हम उस देश को लोकतंत्र ही कहेंगे। अगला कथन, देश ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया है, ऋण के साथ एक यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी, मतलब सरकार है वो मूलभूत आवश्यकताओं के खर्चों में कमी करेगी, तो यह कथन है वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। इसका उत्तर होगा लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है, एक लोकतांत्रिक सरकार वो नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है, शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च में कमी करना लोगों के लिए जो कल्याणकारी नहीं होगा, इसलिए ऐसे देश को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च में कमी करने के लिए सहमत नहीं होगा। अगला कथन है, लोग है वो 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के केवल 52% लोग ही बोलते हैं, तो इसका उत्तर यह होगा वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि नागरिकों को अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, अतः उनको सभी भाषाओं को अपने माध्यम में सम्मिलित करना चाहिए ताकि सभी भाषाओं को समान अधिकार मिल सके। अगला कथन है, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है, सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, तो इसका उत्तर होगा कि सभी लोकतांत्रिक राज्य जो हैं वो अपने नागरिकों को हड़ताल करने का अधिकार तो देते हैं परंतु उनको जो भी प्रदर्शन करना है वो शांति रूप से करना चाहिए, अगर कोई भी प्रदर्शन जो भी नेता है वो प्रदर्शन है उसमें अगर उग्रता का रूप ले लेते हैं तो सरकार को यह भी अधिकार होता है कि उन नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, तो इससे राज्य है वो अलोकतांत्रिक नहीं बन जाता, तो यह एक लोकतंत्र का ही कथन है। अगला कथन, देश के रेडियो और टेलीविजन चैनल सरकारी हैं, सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है, तो यह कथन एक अलोकतंत्र है क्योंकि रेडियो और टेलीविजन सरकारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोगों को समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन द्वारा अपने विचार प्रकट करने और सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, इससे वो सरकार की जो भी कमियां हैं उनको प्रिंट मीडिया या रेडियो या टेलीविजन के द्वारा सभी लोगों के सामने उजागर करते रहते हैं। अगला प्रश्न, अमेरिका के बारे में हमें क्या, 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहां के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है, आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है, इन समूह की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की जो मुख्य बातें थी वो इस प्रकार है, सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162 थी, मतलब औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज्यादा संपत्ति थी। अगली जो रिपोर्ट थी उसमें यह था कि राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज्यादा आमदनी वाले परिवारों से प्रत्येक 10 में से 9 लोग
वोट डाले थे। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 ही लोग हैं जो वोट डालते थे। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20% हिस्से में आते हैं। अगला कथन था कि राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकार नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, मतलब देश के जो अधिकांश जो नागरिक है उनको यह उपलब्ध नहीं थी ये सुविधा। अगला कथन था कि जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनीति अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। इस रिपोर्ट की सूचनाओं को आधार बनाकर और भारत के संदर्भ में लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि हमें एक लेख लिखना है लोकतंत्र तथा गरीबी पर। सामान्य लोगों के हितों के लिए लोकतंत्र है वो एक बहुमत का शासन है, किंतु आजकल इसका उपयोग उन मुट्ठीभर लोगों के फायदे के लिए हो रहा है जिनके पास क्या है, धन है, संसाधन है तथा शिक्षा है। इस कारण यह है कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे है उसका 95% अमीर लोगों से आता है। इसलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करने में सफल रहते हैं, क्योंकि वही चंदे देते हैं तो वो राजनीतिक दलों के निर्णय है वो भी अपने पक्ष में रखते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग है वो राजनीति में कम भाग ले पाते हैं, इसलिए क्या होता है कि उनकी समस्याओं की ओर सरकार कम ध्यान देती है। इसी कारण लोकतांत्रिक भारत में अमीरों और गरीबों के बीच अंतर और तेजी से बढ़ता जा रहा है। गरीब है वो और गरीब हुए हैं जबकि अमीरों में तेजी से वृद्धि हुई है। इनकिन प्रकार सक्षम लोगों द्वारा सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाया जा रहा है तथा गरीब है वो इनसे वंचित भी रह रहे हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों में जो तेजी से ह्रास होता दिख रहा है उसमें राजनेता है वो अक्सर अमीरों तथा और पूंजीपतियों की चिंता पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनेताओं ने राजनीति को एक व्यवसाय में परिणत कर दिया है। वे अब जनता की समस्याओं को हल निकालने के लिए राजनीति में नहीं जाना चाहते बल्कि वो अपने व्यक्तिगत तथा वर्गीय फायदे के लिए इसे पैसा बना रहे हैं। अब जो राजनीति है उसमें धन तथा बल के उपयोग ने इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाया है। यह ऊपर से तो लोकतांत्रिक दिखते हुए भी व्यवहार में स्वेच्छाचारी है। आए दिन होने वाले घपलों में के द्वारा विकास की राशि को नेताओं, व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य सक्षम वर्गों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। इससे क्या होता है, गरीब है वो गरीबी बढ़ती जा रही है। दरअसल जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनने की जरूरत है। जनता के पास यह शक्ति होनी चाहिए कि वह जब चाहे अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सके, यह उन्हें जवाबदेह बना देगा। साथ ही चुनाव में धन के प्रयोग पर भी रोक लगनी चाहिए, तभी लोकतंत्र का सही रूप है वो सामने आएगा और आम जनता की समस्या की ओर ध्यान भी दिया जा सकेगा।